यहाँ पे अंकल जी है और देख सकते हैं यहाँ पे टीवीएस की सेटअप इस यहाँ पर गाड़ी पे ही होता है। ये हमारे पास ये चावल उड़द की दाल वाली इडली है। आपके तरफ कितने की इडली मिलती है स्ट्रीट में? क्रेडिट आप ले जाते हो, मतलब बच्ची ये कह रही है। तो जरूर अंकल जी की इडली ट्राई करिएगा। मुझे तो यहाँ पे अंकल जी है और देख सकते हैं यहाँ पे टीवीएस की लूना है और अंकल है यहाँ पे इस लूना के वजह से काफ़ी फेमस है अपनी इडली के लिए। और अंकल का पूरा सेटअप इस यहाँ पर गाड़ी पे ही होता है। ये देख सकते हैं पूरा किचन भी यहीं पे अंकल का, यहाँ पे कुक होता रहा, सांभर गरम होता रहता है ना अंकल। अच्छा, ये सिलेंडर नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे इडली है, चटनी है, प्लेट्स वगैरह है और पैकिंग भी अंकल होती है ना इडली की, पूरी इडली की पैकिंग की जाती है, चम्मच वगैरह भी है, सब कुछ है। सो पूरा सेटअप अंकल का ये देख सकते हैं, इसी में अच्छे तरीके से किया गया है। प्लस यहाँ पे पानी वाले पगे पानी है ना अंकल, इसमें पानी भी है और यहाँ प्लेट्स यहाँ पे रख देते हैं, जो खाता होगा उसको रख देते। हमारा नाम गोपीदास है, मैं डालीगंज खन्ना मिल से आता हूँ, ईबी कॉलोनी। ऐसे सब कहते हैं कि आप साउथ के देखने के लेते हैं, मैं बंगाली हूँ, ठीक है। मुझको ये अभी कम से कम मेरा जब बीमा उमा खोले थे उसमें कुछ हमको 1 लाख का लालच दिखाया था, तो जब पूरा हुआ तो हमको 47,000 रुपये मिला। हमने फैमिली उठा के पूरा इधर उधर घूम डाला, फिर हमको समझ में आया कि लखनऊ में चले कुछ पौष्टिक खाना बिक जाए, तो हमको इडली से अच्छा कुछ और समझ में नहीं आया, तो खाली ओनली इडली लेके बेचना चालू किया। पहले हमारा इडली था 10 के 1 पीस, 20 के 2 पीस, 1 साल पहले की बात। और ये अभी जनवरी से मैंने 20 की 2 1 किया है और 40 की 2 किए। इसमें आपकी मूंगफली की चटनी है, नारियल चटनी है, इसमें कोई अगर व्रत भी रहे आराम से खा सकता है, क्योंकि इसमें ना प्याज है, ना लहसुन है, ना अदरक है। और सांभर में कम से कम आपका 4-5 तरीके का सब्जी डालते हैं, मटर के सीजन में मटर भी डाल देता हूँ, मैंने अपना अपना नया नया तरीका इस्तेमाल करते रहता हूँ। मैंने अगले ठंडे में मटर भी चालू किया था, फिर बीन्स आता, बीन्स भी डाल, कल 3 महीना हो गया। लोगों ने तो तारीफ का, पहले जब हमारा सत्ता था तो कस्टमर ने खुद ही कहा कि भाई साहब आप रेट बढ़ा दीजिए, बहुत जने का था अंकल आपका रेट बढ़ना चाहिए नहीं तो आप चला नहीं पाएंगे, तो कस्टमर के डिमांड पे भी थोड़ा रेट बढ़ाना पड़ा महंगाई के वजह से। कोई काउंटिंग नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा मंगाते, थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। चावल उड़द की दाल वाली इडली है, ये मूंगफली चटनी है, और इसमें क्या क्या चीज़ अंकल डालते हैं आप? इसमें बस खाली नमक और मिर्चा और कुछ नहीं, खाली छोका लगता है, ये ओनली नारियल, ना इसमें चने का दाल है ना कुछ है। अच्छा, और नारियल अंकल ताजा वाला यूज करते हैं? कच्चा नारियल, कच्चा नारियल, ये कच्चा नारियल है। और ये आपका ये सांभर है, पीछे जो दिख रहा है ये सांभर है, इसमें इसमें बहुत जने जो सांभर बनाते है वो एकदम जैसे सोयाबीन की सब्जी बना के रखते हैं। अच्छा, कुछ टाइप का नहीं है ये, एकदम हल्का लाइट ही सिंपल दिख रहा है, इसमें कोई मसाला या कुछ मिश्रण नहीं है। ये आ गया आपका मूंगफली की चटनी, जो आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे दुकानों में भी नहीं मिलेगा। सांभर इसमें एकदम लाइट ही। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी इडली आ चुकी है, ये 40 रुपए की प्लेट है जिसमें आपको 2 इडली खाने को मिलेगी, ये सांबर, ये इनकी नारियल की चटनी, यहाँ पे मूंगफली की चटनी, थोड़ा मैसी हो गया है बट इट्स ओके, हम खाएंगे और कर लेते हैं इसकी पहली बाइट चटनी के साथ सांबर के साथ। सांबर गर्म है, इडली इनकी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है बट ठंडी हो गई है। मैंने अंकल से अभी पूछा तो उन्होंने बोला अगर रवा की होती तो ये गरम मिलती है, गरम मिलती है, वैसे तो इडली सारी गरम ही मिलती है लेकिन चावल वगैरह की है तो ठंडी जल्दी हो जाती है, और जैसे ही ख़त्म होती है इडली घर से मंगवाते हैं, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है बट अगर गर्म होती इडली तो और भी अच्छा लगता, लेकिन सांभर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, चटनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, नारियल की चटनी सो गया, तो सांभर का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं सांभर हार्डली खाती हूँ, मुझे चटनी के साथ ही इडली बहुत पसंद है, लेकिन सांभर का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है।
प्राइस 40 रुपीज का है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो इसका 40 प्राइस है वो मतलब सही प्राइस है कि नहीं। आप अगर होते तो मतलब आपके तरफ कितने की इडली मिलती है स्ट्रीट में, मुझे जरूर बताना। यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि एक बार इनका किसी ने वीडियो बनाया था और वीडियो में बच्चों ने इनके बोला कि अपना अपना क्रेडिट ले जाते हो, हमारा कुछ नहीं रहता क्या, इधर आओ नहीं इधर आओ, इधर इधर प्यार से आओ प्यार। बहुत प्यारी बच्ची यहाँ पे मिली है, अंकल की बेटी, क्या नाम है? गरिमा दास। गरिमा दास, तो कौन बनाता है इडली घर पे? मम्मी। मम्मी बनाते हैं। अच्छा, मम्मी का क्रेडिट आप ले जाते हो, मतलब बच्ची ये कह रही है खत्म, बाय बाय टाटा। इस वजह से बच्ची ने बोला था कि हमारा भी नाम ले लिया करो, हमें हमारा भी मतलब जो क्रेडिट है हमें दे दिया करो। सो पापा यहाँ पे काम करते कैसा लगता है? अच्छा अच्छा लगता है। इडली कैसी लगती है इनकी? अच्छी अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा मतलब कौन सी चटनी यहाँ पे पसंद है? मुझे चटनी नहीं, इडली और सांभर पसंद है। इडली और सांभर, अच्छा यार मुझे चटनी पसंद है इसलिए मैं लोगों से चटनी पूछती रहती हूँ, सांभर और इडली पसंद है। और अगर यहाँ पे अगर डोसा बोला जाएगा कि लोग बोलेंगे कि डिमांड करेंगे डोसा बनाओ, तो बनवाओगे? बनवा देंगे। बनवा दोगे? नेक्स्ट टाइम आओगी तो डोसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप पापा से भी पूछिए। अच्छा पापा से पूछना पड़ेगा, कह रही कि डोसा आएगा कि नहीं अंकल? नहीं नहीं नहीं, इसलिए आ नहीं पाएगा कि मेरा इसमें तो एक तो पहले से नाम हो चुका है, नाम छोटा है, उसके लिए जगह बहुत चाहिए। यहाँ दो दुकानें और लगते हैं इतने छोटे में। अंकल मैं चाहती हूँ कि आप बहुत तरक्की करो और आपका डोसा आए, मेदू वड़ा आए, सब कुछ आए और बस आप लाते जाओ, ठीक है? नहीं नहीं हम तो बता तो रहे एरिया हमारा, नहीं तो आप, मैं कह रही हूँ ना एरिया, आप क्या पता आपका कुछ और हो जाए एरिया, है ना? भगवान की कृपा हुई, पैसे तो होगी जरूर एक दिन, लेकिन अगर हुई तो हम तक रखेंगे। साउथ पूरा खाना, साउथ का पूरा खाना भाई अंकल लाएंगे। सो अब हैप्पी, मैंने दिखा दिया तुम्हें बहुत प्यारी बच्ची है। सो दोस्त अगर आप इधर के साइड आते हो निराला नगर साइड, तो ज़रूर अंकल जी की इडली ट्राई करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गर्म होती तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन इडली का जो टेस्ट था काफ़ी अच्छा था, स्पेशली मुझे जो चटनीज थी वो बहुत पसंद आई, इनफैक्ट मुझे सांभर भी काफ़ी अच्छा लगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा एंड आई होप आपको मेरे छोटू सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जिसे खचेक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। क्या बोले इसको, क्या बोलते हैं मुझे इसको?